लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें बिल्कुल फ्री। हिट द रेड बटन फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्लिक द बेल आइकॉन फॉर अपकमिंग वीडियोस, इट्स फ्री। टेड ह्यूग्स की एक पॉपुलर पोईम है हॉक रोस्टिंग, और फर्स्ट स्टैंजा में वो कहते हैं आई सिट इन द टॉप ऑफ द वुड, वो हॉक के बारे में बात कर रहे हैं। माई आईज क्लोज्ड इन एक्शन नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम्स बिटवीन माई हुक्ड हेड एंड हुक्ड फीट और इन स्लीप रिहर्स परफेक्ट किल्स एंड ईट। इस स्टैंजा में पोइट बता रहा है कि हॉक एक ऊंची जगह पर बैठा है और आराम कर रहा है, उसे किसी भी किस्म का कोई डर नहीं है। नो फॉल्सिफाइंग ड्रीम का मतलब है उसे आसपास की चीज़ से कोई खौफ नहीं है और अपनी चोंच और अपने पंजे पर पूरा भरोसा है उसे। हुक्ड हेड और हुक्ड फीट, और वो नींद में भी शिकार कर सकता है, उसे किसी किस्म की प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है। द कन्वीनियंस ऑफ द हाई ट्रीज द एयर्स बायोंसी एंड द सन्स रे आर ऑफ एडवेंचर टू मी एंड द अर्थ्स फेस अपवर्ड फॉर माई इंस्पेक्शन। दूसरे संदर्भ में बताता है कि ज़िंदगी उसके लिए कितनी आसान है, हवा की तेज़ी उसे उड़ने में मदद करती है और सूरज की रोशनी उसे गर्म भी रखती है और राह भी दिखाती है, उसे हर चीज़ का एडवांटेज है। वो ऊंचाई पर है और वहाँ से ज़मीन को भी बड़े आराम से देख सकता है। फिर वो कहता है कि माई फीट आर लॉक्ड अपॉन द रफ बार्क, इट टुक द होल ऑफ क्रिएशन टू प्रोड्यूस माई फुट, माई ईच फीदर नाउ आई होल्ड क्रिएशन इन माई फुट। अब अपने पंजों की ताकत के बारे में बता रहा है कि उसने अपने पंजे एक दरख्त में गाड़े हुए हैं और उसमें एक दुनिया समाई है। वो अपने पंजे अपने परों की ताकत पर नाज कर रहा है और अपने पंजों से कुछ भी उठा सकता है, इसके पंजों में इतनी ताकत है। और फ्लाई अप एंड रिवॉल्व इट ऑल स्लोली, आई किल वेयर आई प्लीज बिकॉज इट इज़ ऑल माइन, देर इज़ नो सोफिस्ट्री इन माई बॉडी, माई मैनर्स आर टीयरिंग ऑफ हेड्स। वो कहीं भी उड़ सकता है, जैसा चाहे उड़ सकता है और जिसे चाहे मार सकता है, उसे कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है, उसमें इतने गुण हैं कि वो कई गर्दनें जो हैं वो उड़ा सकता है अपनी चोंच से अपने पंजों से। द अलॉटमेंट ऑफ डेथ फॉर द वन पाथ ऑफ माई फ्लाइट इज डायरेक्ट थ्रो द बोन्स ऑफ द लिविंग, नो आर्गूमेंट्स असर्ट माई राइट। फिर वो कहता है कि जैसे चाहे मैं मार सकता हूँ और सिर्फ एक उड़ान में ही शिकार का काम तमाम कर सकता हूँ और उसकी ताकत पर किसी किस्म की बहस या डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर आखिर में वो कहता है कि दी सन इज़ बिहाइंड मी, नथिंग हैज़ चेंज सिंस आई बिगन, माई आई हैज़ परमिटेड नो चेंज, आई एम गोइंग टू कीप थिंग्स लाइक दिस। वो आखिरी चंदा में कहता है कि सूरज उसके पीछे है, जब वो दुनिया में आया है तब से कुछ भी नहीं बदला है, उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया और वो ना चाहता है कि दुनिया में कोई बदलाव आए, वो सब चीज़ों को इसी तरह रखना चाहता है।